अच्छा एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट करवाने जा रहा हूँ नेक्स्ट. आई कॉल इट द टॉफीज मेथड. एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत जगह काम आता है इन यू नो केसेस वेयर यू हैव दैट मिनिमम मैक्सिमम वाला क्वेश्चन, सेट सेट थ्योरी का, कि मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए ऑल थ्री में, वैसे टाइप का क्वेश्चन. तो आई स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल स्ट्रेट अवे. तो सपोज यू हैव थ्री काइंड्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, नीचे नीचे लिख देता हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स एंड द हिंदू. तो ये तीन पढ़ा जाता है. एक लोकेलिटी है, तो उस लोकेलिटी में लेट से 60% रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, 70% रीड हिंदुस्तान टाइम्स एंड 80% रीड द हिंदू. एंड इट इज मेंशन दैट ऑल ऑल पीपल ऑफ द सोसाइटी, कैसे लिखो, लेट्स से एवरी पर्सन रीड्स एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, ठीक है, रीड्स एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम. देखो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ कि मैक्सिमम 50 की 60 क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन दैट एवरीबडी रीड्स एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर. देखो मैक्सिमम मिस्टेक यही होता है कि लोग 60 अज्यूम कर लेते हैं कि चलो ठीक है, टीओआई में, हिंदू में, टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे 60 होना चाहिए, यहाँ पे 70 होना चाहिए, यहाँ पे 80 होना चाहिए, तो इसमें 60 डाल देते हैं, 60 तो डाल ही सकते हैं. बट अगर 60 डाला यहाँ पे अगर 60 डाला तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया. अब अगर मुझे ये वाला रीजन मैक्सिमाइज करना है तो 10 यहाँ पे डालना पड़ेगा और 20 यहाँ पे डालना पड़ेगा और यहाँ पे जीरो, तो ये टोटल कितना हुआ, ये सारा रीजन मिला के टोटल कितना हो रहा है, 90 हो रहा है ना. तो बाकी 10% कहाँ गया. रिमेंबर एवरी पर्सन रीड्स ऑल न्यूज पेपर्स, एटलीस्ट वन न्यूज पेपर. तो बाहर में तो 10 आ नहीं सकता, अगर आ सकता था तो वो आंसर 60 है, उसमें कोई सोचने की जरूरत भी नहीं है. बट ऑब्वियसली वो क्वेश्चन आएगा नहीं, आएगा भी तो वो क्या क्वेश्चन होगा, फिर वो पूछने लायक ही नहीं है. तो 60 कॉमन में डाल नहीं सकते ना, दैट इज द पॉइंट. 60 अगर कॉमन में डाला तो बाहर में 10 डालना पड़ेगा, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है. सो दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट. सो दैट मच इज क्लियर आई गेस. तो दिस इज वेयर टॉफीज मेथड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. 10 तुम लोग बहुत वे में निकाल सकते हो, 10 देयर इज अ वेरी लॉजिकल वे टू फिगर इट आउट. बट टॉफीज मेथड से क्या होता है कि यू कैन फिगर आउट द मिनिमम एंड मैक्सिमम बोथ, ठीक है. मिनिमम के केस में एक चीज केयरफुल रहना होता है, मैं बाद में आ रहा हूँ उसमें. बट मिनिमम तुम लोग ऐसे भी निकाल सकते हो कि 60% पड़ता है तो 40% नहीं पड़ता है, 70% पड़ता है तो 30% नहीं पड़ता है, 80% पड़ता है तो 20% नहीं पड़ता है. तो 40, 30, 20 मतलब कितना हो सकता है, 90% हो सकता है कि मतलब एक एक टाइप का नहीं पड़ रहा है, तो 10% तो होना ही चाहिए जो ऑल थ्री पड़ता है. बट ये करने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना. देखो एक छोटा चीज बता के दे रहा हूँ पहले ही, वेन एवर वी आर डीलिंग विद परसेंटेजेस द आंसर कैन बी इन डेसिमल. ओके, मतलब 0.33, 0.75 कुछ भी हो सकता है, दैट इज नॉट एन इश्यू. बट अगर लोग है तो तब डेसिमल नहीं हो सकता, ये दिमाग में रखना. ओके, यहाँ तक ठीक है सबको. ओके, सो लेट अस सिंपली अज्यूम दैट देयर आर 100 पीपल, ठीक है. एंड नाउ द टॉफीज मेथड इज समथिंग लाइक दिस. सी व्हाट आई विल डू इज, सो बेसिकली व्हाट इज दैट, द टीओआई इज रेड बाय 60 पीपल, एचटी बाय 70 एंड हिंदू बाय 80, राइट. सो दैट इज व्हाट वी हैव, टीओआई इज रेड बाय 60 पीपल, हिंदुस्तान टाइम्स बाय 70,
and the Hindu by 80. Anna. Now, the point is, what I'll do is, I'll assume that everybody are given some toffees, okay? So whoever reads Times of India, unko Times of India toffee diya ja raha hai. Jo log Hindustan Times padhta hai, unko Hindustan Times wala toffee de raha hai. Jo log Hindu padhta hai, unko Hindu wala toffee de raha hai. So there are three types of toffees, right? Now, what can one person get? A person can get either zero toffee or one toffee or two toffees or three toffees. In this particular question, nobody can get zero toffee, right? But ideally, I mean, in everything, if I take into consideration, so a person can get either zero toffee or one toffee or two toffee or three toffee. Hindu ka do toffee to nahi de sakte na. Can we give two different toffees of Hindu? Ye possible hai kya? Understood. So what we are going to do is, we are just going to count the total number of toffees that we have. How many toffees do we have in total? Correct. Now, what I'm going to do is, in this type of question, always take care of the constraints first. Okay, this is very, very important. So what is the constraint out here? Everyone has to read one, correct. So if everyone has to read at least one, to sabko at least ek toffee milna chahiye. So now simply draw a line number. Theek hai, matlab toffees wala question line number se karna fatafat ho jata hai. So you have 100 people, sabko ek ek toffee de do. To sabko ek ek toffee de diya, to 100 toffee idhar hi nikal gaya. Bacha kitna? Now, if I have to, let's say, maximize the number of people getting what? What do we need to maximize? Number of people getting how many toffees? Correct. So, yaad hai, sabko already ek ek toffee hai sabke paas. So, agar teen toffee mujhe dena hai, to abhi main kitna kitna karke toffee dunga sabko? Correct. So, do-do karke aur toffee dunga. No. I'm trying to maximize the number of people getting three toffees. So, sabke paas to ek ek toffee already hai na. So, I'll give two toffees to as many people as possible. So, I have 110 toffees left. So, kitne log ho jayega? 110 divided by 2. So, that is 55. So, 55 people get three toffees. So, that is the maximum value. Agar mujhe minimize karna hota. So again, first take care of the constraint. Sort of nikal gaya. Do-do karke toffee ja raha hai na remo. So kitne logo ko jayega? That is my question. 110 toffees bacha hua hai. Do-do karke ja raha hai. To kitne logo ko jayega? 110 divided by 2 na. 2 toffees to each person. Are 3 to nahi na. Ek to already de chuka hai na sabko. When we took care of the constraint, we already gave one toffee to each person, right? So, if we have to maximize three, then I will do two, right? Okay, clear abhi? Ah, this was maximum, 55%. Now, correct. So, dekho, abhi agar minimize karna hai, dekho, kisi ko char toffee to de nahi sakte na. तो क्या करेंगे फिर से सबको एक-एक करके टॉफी दे देंगे तो अगर फिर से सबको एक-एक करके टॉफी दे दिया तो बचा कितना तो 100 टॉफी निकल गया बचा भी 10 टॉफी है अब ये 10 टॉफी तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा ना और जिसको भी जाएगा एक-एक करके ही जाएगा तो कितने लोग हो जाएगा 10 टॉफी लोगों को क्योंकि सबके पास दो-दो टॉफी ऑलरेडी है तो 10% इज मिनिमम तो आ गया 55% मैक्सिमम दिमाग लगाओ सबके पास है अच्छा एक छोटा सा चीज अगर मान लो यहां पे अपने पास क्या था 60% 70% और 80% था ना
अगर मान लो 40%, 80% और 90% होता, चांसेस बहुत लो है ऐसा सिनेरियो होगा, बट हो सकता है। अगर मान लो 40%, 80%, 90% होता है, देखो मिनिमम के केस में कभी गड़बड़ नहीं होगा इसमें, ओके। मैक्सिमम के केस में एक गड़बड़ हो सकता है। एक छोटा सा चीज देखो, इसका टोटल कितना हो रहा है? हाँ, 210, और परसेंट है तो 100 लोग मान के वैसे ही टाइप का। तो अगर मैक्सिमम किया तो कंस्ट्रेंट एक के यार 100 दे दिया पहले, मान लो सेम कंस्ट्रेंट है सबको, एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो अभी बचा कितना? 110 टॉफी, सेम थिंग, 110 डिवाइडेड बाई 2, 55। बट कैन हियर वी हैव 55% रीडिंग ऑल थ्री एग्जैक्टली, तो यहाँ पे 40% आंसर होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो मतलब 55% टॉफी से जो 55% आ रहा है ना, 55% कहने का मतलब वी कैन स्ट्रेच अप टू 55, नो प्रॉब्लम देयर। अगर उसका कम करोगे तो ऑब्वियसली वो एडजस्ट हो सकता है। 55% दिया 40 की जगह, मतलब वो तब तो टोटल नंबर ऑफ टॉफीज चेंज कर रहा है ना शशांक। व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर मतलब टॉफीज कॉन्सेप्ट लगा के यू आर गेटिंग अ मैक्सिमम वैल्यू, बस मैक्सिमम के केस में ये केयरफुल रहना, यू आर गेटिंग अ मैक्सिमम वैल्यू व्हिच इज एक्सीडिंग एनी वन ऑफ द सिंगल वैल्यूज, इन दैट केस द सिंगल वैल्यू विल बी द आंसर, ठीक है ना। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो 5 टाइप का आइटम है, ए बी सी डी ई, ए इज 93%, बी इज 90%, सी इज 91%, मैं रैंडमली दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ डेसिमल डेसिमल आ सकता है, टेंशन मत लेना, 88%, मैं ये वेन डायग्राम से नहीं करता हूँ, और ये 89%, वेन डायग्राम से स्लो है। और अगर मैक्सिमम वाला केस, और 5 का वेन डायग्राम बना के दिखा तू मेरे को, तेरा होमवर्क है अरिजीत, 5 सेट का वेन डायग्राम बना के मेरे को मेल करना, एलिप्सिस भी कम पड़ जाएगा। 4 सेट का वेन डायग्राम विंडो से होता है, 4 सेट का वेन डायग्राम 4 सर्कल से कभी जिंदगी में नहीं बना सकता, हमेशा 13 रीजन आएगा, 15 रीजन आ नहीं सकता। हाँ, तो 4 सेट का अगर वेन डायग्राम बनाना है, यू हैव टू ड्रॉ विंडोज, 5 सेट का बना के दिखाना, मैं मान जाऊंगा। अच्छा, तो मान लो ये है और बोला हुआ है कि एग्जैक्टली 1% डू नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर, मान लो ये 5 टाइप के न्यूज़पेपर ही है, खबर को 4 ऑप्शन तो बन ही गए यहाँ पे, आंसर इज 55%। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हियर, अगर मैं देखो काउंटिंग में एक छोटा सा बोलता हूँ, जैसे एवरेज में ऑफसेट लगाते हो ना, सेम आइडिया यहाँ पे भी कर सकते हो। अगर पांचों को 90 मान लिया तो 450 होना चाहिए, बट ए में 3 ज्यादा हो रहा है, सी में 1 ज्यादा, तो 4 ज्यादा है, और डी में 2 कम एंड ई में 1 कम, तो 3 कम है, 4 ज्यादा 1 और 3 कम मतलब क्या हो रहा है, 1 ज्यादा, तो 450 से 1 ज्यादा मतलब 451 टॉफीज, तो वी हैव टोटल ऑफ 451 टॉफीज, ठीक है, यस। हाँ, नाउ वी हैव अगेन 100 पीपल ऑल टोटल, बट नाउ 1% डू नॉट रीड एनी, तो मतलब क्या, 1% मतलब 1% को वी शुड नॉट गिव एनी टॉफी, राइट? हाँ, तो अगर मुझे मिनिमाइज करना है तो मैं क्या करूंगा, सबको मैं 4-4 करके देता जाऊंगा, तो अगर सबको 4-4 टॉफी देते जाओगे तो किसी को 5 टॉफी मिलेगा नहीं, और जितना हो सकता है टॉफी निकल जाएगा, है ना। तो हाउ मेनी आर वी कंज्यूम्ड हियर, 396, तो बेसिकली वी आर लेफ्ट विथ हाउ मेनी, 451 माइनस 396 विच इज 55 टॉफीज। नाउ दिस 55 टॉफीज मस्ट गो टू 55 डिफरेंट पीपल, तो मिनिमम इज 55%।